जब मैं रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचा तो वहां पहले से उत्तेजित भीड़ थी। दो सिखों को पहले ही जिंदा जलाया जा चुका था। वहां भीड़ के साथ कमलनाथ भी थे। भीड़ आगे बढ़ी और उन्होंने अपना हाथ उठाया तो भीड़ रुक गई। इसको और अधिक ठीक से समझना हो तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हाल ही में एमपी में कांग्रेस विधानसभा का चुनाव जीती तो सिंधिया की अपनी पार्टी में डिमांड होने के बावजूद भी कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। इंदौर के खालसा स्टेडियम में सिखों का कार्यक्रम हो रहा था। हजारों हजार सिख बंधु भगिनी इस कार्यक्रम में थे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में एमपी के पूर्व सीएम और वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आए। कमलनाथ को बुलाने से वहां कीर्तन कर रहे कीर्तनकार मनप्रीत सिंह भयंकर गुस्से में आ गए। वे मंच से ही कहने लगे कि जिसने तुम्हें टायरों से जलाया उन्हें बुलाते हो। मनप्रीत सिंह ने आयोजकों को कहा कि आप किसी को भी पीला सिरोपा पहना देते हो। इस पीले सिरोपे के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने वंश का बलिदान कर दिया था। आप लोग पीले सिरोपा की वैल्यू को कम कर रहे हो। उन्होंने गुस्सा होकर नाराज होकर कसम खाई कि मैं अब कभी भी इंदौर नहीं आऊंगा। इस बात का वीडियो आया। वीडियो पर सबने अपने पक्ष रखे, लेकिन यह समझने की जरूरत सबको है कि जब गुरु पर्व पर देश का एक एक नेता गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेक रहा है, जब सब लंगर चख रहे हैं, तो अकेले कमलनाथ का विरोध क्यों? ऐसा कमलनाथ के आने पर कीर्तनकार का कौन सा जख्म हरा हो गया कि उन्होंने अपने समाज को ही कह दिया कि देखना फिर भुगतोगे। ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। मैं अमन हूँ, ये VSK मालवा है। 84 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे। कहते हैं उस समय तब का नेतृत्व और प्रशासन सिखों के कत्लेआम का काम कर रहा था। ये बात राजीव गांधी के उस बयान से और अधिक पुष्ट हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। ये बात और अधिक पुष्ट तब हुई जब कुछ बरस पहले कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगे में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा दी गई। जब सज्जन कुमार को सजा मिली तब देश में मांग उठी कि कमलनाथ को भी सजा हो, क्योंकि वो भी सिख दंगों के आरोपी है। 3 बरस पहले जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे तब भी देश भर के कई संगठनों ने कमलनाथ के खिलाफ आंदोलन किए थे। एक बार तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हजारों सिखों की हत्या के जो आरोपी हैं उन्हें कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का पुरस्कार दे रही है। कुल मिलाकर कमलनाथ का सिख विरोधी दंगों से जुड़ा हुआ एक कनेक्शन है जो लगातार बाहर आता रहता है। संजय सूरी जो एक पत्रकार है उन्होंने 84 के दंगों को कवर किया और उस पर 1984 द एंटी सिख वायलेंस एंड आफ्टर नाम से किताब लिखी। इस किताब में संजय सूरी ने कहा कि जब मैं रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचा तो वहां पहले से उत्तेजित भीड़ थी। दो सिखों को पहले ही जिंदा जलाया जा चुका था। वहां भीड़ के साथ कमलनाथ भी थे। भीड़ आगे बढ़ी और उन्होंने अपना हाथ उठाया तो भीड़ रुक गई। आप इसे 2 तरीके से समझ सकते हैं। उन्होंने भीड़ को रोका, लेकिन मेरा सवाल है कि उनमें और भीड़ में ऐसा क्या संबंध था कि उन्होंने अपना हाथ उठाया और भीड़ रुक गई। संजय सूरी ही नहीं, सिख दंगा पीड़ित और उनके वकील HS फुलका भी मानते हैं कि कमलनाथ रकाबगंज गुरुद्वारे की ओर आई भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। इनके अलावा मनोज मित्ता और HS फुलका की किताब वेन अट्री शुक दहली के मुताबिक संसद भवन सड़क के दूसरी तरफ होने के बावजूद भी रकाबगंज गुरुद्वारे को भीड़ ने लंबे समय तक घेर कर रखा। बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के इतिहास में शायद इकलौती घटना थी जिसमें एक राजनेता ने घटना स्थल पर मौजूद होने की बात स्वीकारी जिसे संसद के पास अंजाम दिया गया। ये राजनेता कमलनाथ थे। अब सवाल ये भी उठा कि ऐसा होने के बावजूद भी कमलनाथ पर कोई कार्यवाही लंबे समय तक क्यों नहीं हुई, तो वकील HS फुलका का मीडिया को दिया गया एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि 6 दंगा पीड़ित 2 घंटे तक इलाज के लिए तड़पते रहे, लेकिन कमलनाथ ने उनके इलाज के बजाय गुरुद्वारे पर फायरिंग करने को कहा। इसी में आगे फुलका ने कहा कि कमलनाथ पर कार्यवाही ना होने का कारण उनका प्रभाव और गांधी परिवार से उनकी अत्यंत निकटता भी है। इसको और अधिक ठीक से समझना हो तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हाल ही में MP में कांग्रेस विधानसभा का चुनाव जीती तो सिंधिया की अपनी पार्टी में डिमांड होने के बावजूद भी कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस प्रभाव को और अधिक समझना हो तो थोड़ा और पीछे चलिए
1980 के दशक में जब कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ा तो इंदिरा गांधी वहां पर प्रचार के लिए आई। उन्होंने कहा कि कमलनाथ मेरे तीसरे बेटे हैं, इन्हें वोट दीजिए। कुल जमा कमलनाथ पर ऐसे आरोप लगते रहे, कमलनाथ इन्हें लगातार नकारते रहे, किंतु भीड़ के नेतृत्व और गुरुद्वारे पर फायरिंग की बात संजय सूरी और एच एस फुल्का जैसे विद्वान लगातार कहते रहते हैं। सिख समाज में अपनों को खोने का, अपने विरुद्ध हुए कत्लेआम के षड्यंत्र का घाव लगातार हरा होता जाता है। आखिरी बात, ये पूरी रिपोर्ट बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स का अध्ययन करने के बाद बनाई गई है। धन्यवाद।